नमस्कार दोस्तों, आपने शिव स्तुति वाले इन भजनों को तो सुना ही होगा। महादेव तार बरेंगे, महादेव तार बरेंगे, महादेव तार बरेंगे। इस तरह के शिव स्तुति वाले भजनों को हाथों में भगवान शिव की सवारी नंदी के प्रतीक रूप में टल्ली, कानों में माता पार्वती के कर्ण फूल, सिर पर भगवान विष्णु का प्रतीक मोर पंखी मुकुट और भगवान श्री विष्णु व माता लक्ष्मी की सेज शेषनाग, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का पवित्र जनेऊ, सफेद कुर्ता धोती धारण किए जंगम के मुख से सुना होगा। शिव स्तुति कर ही भिक्षा मांगने वाले इन जंगमों के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? आखिर कौन है ये लोग? इस तरह की वेशभूषा धारण करने का क्या मकसद है? तो आइए आज आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। कैसे हुई जंगमों की उत्पत्ति? शांत चित्त से भगवान शिव की स्तुति गान और भिक्षा के अलावा किसी अन्य चीज की इच्छा न रखने वाले जंगमों के परिधान सदियों से यही हैं। जंगमों की उत्पत्ति के बारे में कई मत प्रचलित हैं। पहले मत के अनुसार, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार, देवी पार्वती ने दावा किया, उन्होंने भगवान गणेश को जन्म दिया। तब भगवान शिव ने अपनी झांग को काटा, झांग से निकला उनका रक्त उषा के रूप में जानी जाने वाली बेजान प्रतिमा पर गिर गया, जिससे वह तुरंत जीवित हो उठी, जो बाद में जंगम के रूप में उत्पन्न हुए। दूसरे मत के अनुसार, जंगमों की उत्पत्ति भगवान शंकर और पार्वती माता के विवाह के बाद दान देने के समय हुई। विवाह के बाद भगवान शिव दान देना चाहते थे, किंतु भगवान श्री ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भिक्षा ग्रहण करने से मना कर दिया। तब देवों के देव महादेव शिव ने अपनी जहांग से जंगम उत्पन्न करते हुए उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। साथ ही जहांग से उत्पन्न जंगमों को केवल भिक्षा लेकर ही जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव की जहांग से उत्पन्न होने के कारण ही इन्हें जंगम के नाम से संबोधित किया जाता है। तीसरे मत के अनुसार, भगवान शिव ने पार्वती से विवाह के समय भिक्षा प्रदान करने के लिए दो संप्रदायों की उत्पत्ति की। पहला अपनी भुकुटी से जंगम, दूसरा अपनी जांग से लिंगम। इस प्रकार शैव संप्रदाय में जंगम की दो शाखाएं भी मानी जाती हैं। मौजूदा समय में उत्तर भारत में जंगम और दक्षिण में लिंगम का वास है। भोलेनाथ की अमरत्व कथा का करते हैं गान। भगवान शिव के पुरोहित कहे जाने वाले जंगम लोगों को समाज के नैतिक पतन पर सचेत करते हैं, साथ ही भगवान की सत्ता का स्मरण भी करवाते हैं। जंगम प्रमुख तौर से भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की स्तुति करते हैं। इसके अलावा भगवान शिव की ओर से माता गौरी को सुनाई अमर कथा का सार, सृष्टि की रचना से लेकर सृष्टि के अंत तक की भविष्यवाणी को काव्य रूप में टल्ली बजाते हुए बेहद सुर में गाते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यह शिव पुरोहित जंगम सारी रात शिव विवाह व शिव भक्ति का गायन करते हैं। हरियाणा क्षेत्र के जंगम जोगी लोक संगीतकार हैं। यह जंगम शिव स्तुति के दौरान डफली, खंजरी, खरताल और वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। इनका शिव स्तुति का अंदाज हर किसी को सहज ही आकर्षित कर देता है। भगवान शिव का स्वरूप है यह जंगम। जंगमों को वास्तव में जंगम लिंग के रूप में माना जाता है। जंगम को एक मानव लिंग तीर्थ माना जाता है। जंगमों को भगवान शिव का पुरोहित भी माना जाता है। जंगम की उत्पत्ति के बारे में दक्षिण भारत के शैव संतों के अनुसार, जब देवों के देव महादेव भगवान शिव ने श्री ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का निर्देश दिया, तो श्री ब्रह्मा ने शिव जी से कहा कि उन्हें मनुष्य बनाना सिखाएं। तब भगवान शिव ने अपने पांच मुखों से पांच मनुष्यों का सृजन किया। इन पांचों से ब्रह्मा जी ने प्रेरित होकर मानव सृष्टि का निर्माण किया। यही कारण है कि यह पांचों मनुष्य पंचाचार्य कहलाए। साथ ही ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए चारों वर्णों से ऊपर माना गया। उक्त संप्रदाय के अनुसार जंगम मठों का संचालन करते हुए शैव मत का प्रचार किया करते थे। जंगमों का मूल स्थल कहाँ है? भगवान शिव का आशीर्वाद हासिल किए जंगमों का मूल स्थल हरियाणा का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माना जाता है। ऐसे में उत्तर भारत में वास करने वाले जंगमों की ओर से की जाने वाली शिव स्तुति की भाषा भी हरियाणवी ही है। जंगम परंपरा के अनुसार जंगम परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति को जंगम की परंपरा को निभाना पड़ता है।
वर्ष में एक बार परिवार के सदस्यों को जंगम बनकर भिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। शिव शक्ति और भिक्षा में संतुष्टि ही जंगम परंपरा की धरोहर है। भारत में जंगमों को किन नामों से पुकारा जाता है? भारत में भगवान शिव के पुरोहित जंगमों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हिमालय में जंगम या जंगम ऋषि, हिंदू मंदिरों में काशी और कुंभ मेले में जंगम साधु, कर्नाटक में जंगम आया पुजारी, तमिल में जंगम लिंगायत पंडाराम, केरल हरियाणा में जंगम जोगी, उत्तर भारत में जंगम बाबा, आंध्र प्रदेश में जंगम देव, नेपाल में जंगम गुरु कहा जाता है। जंगम मठ का 9वीं शताब्दी में मिलता है उल्लेख। नेपाल में 9वीं शताब्दी में लिच्छवी वंश के राजा नरेंद्र देव की ओर से जंग लिंग प्रतिष्ठान का वर्णन किया है, जो अनंत लिंगेश्वर मंदिर में पत्थर के शिला लेख में उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने जंगमों को प्रतिष्ठान के कुलाधिपति के नाम से संबोधित किया है। इस प्राचीन प्रमाण के मिलने के बाद यह माना जा सकता है कि जंगम समुदाय 9वीं शताब्दी से पहले नेपाल में मौजूद था। कर्नाट वंश के राजा श्री नान्य देव 11वीं शताब्दी में अपने वंश का विस्तार करके मिथिला राज्य मौजूदा उत्तरी बिहार के शासक बने। वहां पर उन्होंने वीर शैव धर्म का प्रचार किया। जब नेपाल में मल्ल वंश की स्थापना हुई थी तब वीर शैव धर्म शुरू हुआ था। नेपाल में जंगम गणित में कई स्टोन लेखन और ताम्र पत्र उपलब्ध हैं। जंगमों की विशेष अमूल्य जानकारी। जंगमों का सर्वोच्च वर्ग विरक्त स्वयं को ब्रह्मचार्य के लिए समर्पित करता है। यह वर्ग शादी विवाह भी नहीं करता, सामान्य जंगम विवाह भी नहीं करते, भीख मांगते हैं, मंदिर में सेवा कर, कृषि या नौकरी कर जीवन यापन करते हैं। जब यह जंगम भिक्षा मांगने जाते हैं तो यह अपने दाहिने घुटने के नीचे जंग नामक घंटियों का एक कार्टर पहनते हैं और एक कोबरा बैंत भी उठाते हैं। जंगम धर्म में हिंदू हैं, यह सभी वीर शैव लिंगायत खंड के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे अपने शरीर पर लिंगा पहनते हैं। लिंगा को हमेशा चांदी के डिब्बे में रखा जाता है, जिसे चौका कहा जाता है, जिसे शिव भद्र नामक धागे से गर्दन पर बांधा जाता है। वे स्नान करने के बाद प्रतिदिन लिंग की पूजा कर उसे अपने मस्तक को मसलते हैं। वहीं जंगमों के 3 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला दीक्षा गुरु, जो लिंग को चिन्हित करता है। दूसरा शिक्षा गुरु, जो शिक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा मोक्ष गुरु, जो एक धार्मिक मार्गदर्शक होते हैं। तो दोस्तों, यह थी जंगमों से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।